नो दरबार मूव, इस साल भी दरबार मूव नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे पहले आपसी भाईचारा बढ़ता था, श्रीनगर के लोग सर्दियों में जम्मू आते थे, जम्मू के लोग सर्दियों में जो है वो वादी कश्मीर जाते थे, ऐसा एक आपसी तालमेल देखने को मिलता था। आपने देखा कि 6 महीने अगर सेक्रेटरी की बात करते हैं वो यहाँ होता था और 6 महीने जो है वो वहां होता था। लेकिन इस साल सरकार बन गई, बहुत सारे शॉपकीपर्स को, बहुत सारे होटल वाले हैं उनको ये इंतजार था कि शायद इस साल दरबार मूव हो जाएगा, क्योंकि पहले चुनी हुई सरकार नहीं थी। कोविड के बाद आपने देखा, चाहे मैं रघुनाथ बाजार की बात करूं, चाहे मोस्टली अपने जम्मू के बाजारों की बात करूं, उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हुआ है और लोग चाहते हैं कि दरबार मूव वाली प्रथा जो महाराजा के टाइम से चल रही थी उसे एक बार फिर से बहाल किया जाए। फिलहाल के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इस साल भी दरबार मूव नहीं होगा। जीएडी ने ऑर्डर इशू किए हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, कि जिस तरह से रूटीन से ये काम चलता था उसी तरह से चलता रहे। आपने देखा कि दरबार मूव जब बंद किया गया था और कहा गया कि बहुत फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है इसलिए दरबार मूव नहीं होगा, आधे से ज्यादा काम जो है वो ऑनलाइन होगा, लोग रुक गए, लोग अपने अपने घरों पर ही रहते हैं, लोग नहीं आते, जैसे आपसी भाईचारा होता था वैसा अब नहीं होता है। लेकिन जम्मू के लोग भी इसे मिस करते हैं और कश्मीर के लोग भी इसे मिस करते हैं। लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि अगर दरबार मूव नहीं होगा तो ये सारी चीजें कैसी होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरबार मूव नहीं हो रहा है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, यूनियन टेरिटरी लेवल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट HOD वो शिफ्ट करेंगे नवंबर 11 से जम्मू में। यानी अभी जो है वो श्रीनगर में चल रहा है और जिस तरह से वो शिफ्ट करेंगे नवंबर 11 को जम्मू में सिविल सेक्टर श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं और आगे जब आपको बताने की कोशिश करते हैं, आप जानते हैं कि रूलिंग जिस तरह से बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, उमर अब्दुल्ला हो जाए, डिप्टी सीएम ने ओथ लेने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा था कि दरबार मूव जो है उसे फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि दरबार मूव ना होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू को हुआ है। लेकिन अब आप देखिए कि इस बार भी जो है ऐसा नहीं होने वाला। बाय एनुअल दरबार मूव की जो प्रैक्टिस है वो महाराजा के समय से चल रही है और आप ये भी जानते कि 6 महीने सेक्रेट कश्मीर में रहता है, 6 महीने जम्मू में रहता है। जिस तरह से श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में मई से अक्टूबर में रहता है, जम्मू में जो है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक जो है वो यहाँ पर रहता है। बहुत ज्यादा फायदा होता था लेकिन कोविड में इसे बंद कर दिया गया था और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी यानी मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम दरबार मूव की प्रक्रिया को दोबारा से बहाल करेंगे। इस साल तो दरबार मूव नहीं होगा लेकिन आप लोगों को इंतजार करना होगा कि सरकार इस पर क्या अहम फैसला लेती है, क्योंकि अगर टूरिज्म की बात करें तो सारा का सारा टूरिज्म जो है वो कश्मीर जाता है, जम्मू के व्यापारियों को इसका फायदा नहीं होता। इस बार जितने भी होटल्स वाले हैं, जितने भी यहाँ पर टूरिज्म की चीजें हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पर जो रघुनाथ बाजार के व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि मे बी यहाँ पर जो है वो दरबार मूव हो। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, जो नवंबर 4 को होगी वो श्रीनगर में होने वाली है, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करते हैं जब सेक्रेटरी यहाँ पर मूव होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो असेंबली भी यहाँ पर मूव करे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। आप लोगों को इंतजार करना होगा और सरकार को ये भी बताना होगा कि जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा होगा या सरकार अपने लोगों से वादा पूरा नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों की बात करूं, लोगों को एक बहुत पॉजिटिवली जो है वो इस चीज की सोचती कि दरबार मूव होना चाहिए। फिलहाल दरबार मूव जैसी कोई भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आप लोगों की क्या राय है आप लोगों से साझा कर सकते हैं, और लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि किसको कितना ऐसा लग रहा था कि सरकार के आते ही दरबार मूव जो है वो होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुझे कहीं भी तरह से इस तरह की कोई खबर नहीं मिली है कि दरबार मूव जो है वो होने वाला है। और अगर अभी मैं आपको इस तरह की मार्केट्स दिखा दूं, ये जो मार्केट्स आप देख रहे हैं ये वो मार्केट्स होती थी कि जब श्रीनगर के लोग यहाँ आते थे। देखिए, लोग तो डिपार्टमेंट्स में काम करते थे लेकिन उनके घर वाले यहाँ पर काफी ज्यादा खरीदारी करते थे जिससे काफी ज्यादा फायदा रहता था। फिलहाल ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और इस साल दरबार मूव नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय है उसे साझा कीजिएगा। जाने से पहले जम्मू लोटस न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।